खुश नसीब हैं हम सब कि ईश्वर ने सुंदर शरीर और सजग दिमाग दिया है, मगर हर कोई इतना तकदीर वाला नहीं होता। दोस्तों, निकोलस वुजिसिक, निक, इनका जन्म मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। निक जन्म से ही टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम से पीड़ित थे, जिसमें बच्चों के हाथ और पैर नहीं होते, सिर्फ पंजे होते हैं। माँ बाप निक को लेकर बहुत परेशान थे और धीरे धीरे निक और उनके परिवार ने हालात से समझौता करना शुरू कर दिया। स्कूल में भी बच्चे निक को बहुत चिढ़ाते थे। निक का विश्वास डगमगा जाता। एक बार तो निक ने पानी से भरे टब में कूदकर जान देने की भी कोशिश की। फिर एक दिन निक की माँ ने उन्हें एक लेख पढ़ने को दिया। यह लेख एक ऐसे दिव्यांग के बारे में था जिसने अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करके दुनिया में एक मुकाम हासिल किया था। निक ने अपने मन में ठान लिया कि मैं भी खुद को हारने नहीं दूंगा। छोटी उम्र में ही निक ने तैरना सीख लिया था, पंजों से टाइपिंग सीख ली थी। निक ने फुटबॉल खेलना, ड्रम बजाना ही नहीं, पेंटिंग और स्काई डाइविंग भी सीखी थी। 21 साल की उम्र में निक ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 2005 में निक ने लाइफ विदाउट लिम्स की स्थापना की। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म द बटरफ्लाई सर्कस में भी एक्टिंग की, जो लोगों को बहुत पसंद आई। कहने जैसा लाइफ पार्टनर पाकर निक बहुत खुश हैं। अब जिंदगी से निक को कोई शिकायत नहीं है। निक एक मोटिवेशनल स्पीकर है। अपने लेक्चर्स और वीडियो से हम और आप जैसे लोगों को प्रेरित करते हैं। निक ने साबित कर दिया दोस्तों कि आपकी कमजोरियां शारीरिक तो हो सकती हैं, मगर इनका असर आपकी हिम्मत पर, आपके हौसले पर नहीं पड़ता, यदि आप जिंदा दिली से सिर उठाकर जीना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी निक की तरह बिना लोगों के तानों की परवाह किए हुए अपनी मंजिल हासिल करेंगे और दुनिया को जीने की राह दिखाएंगे।